नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। एक बार सारे दोस्त जल्दी से बताएंगे कि आप सभी लोगों को जो शॉर्ट एंड स्टेनोग्राफी की क्लासेस आपकी दिन प्रतिदिन चलती जा रही है, इसमें आज आपकी 25वीं क्लास है। यानी इस क्रम में हमने 24 क्लासेस इसके पहले पढ़ लिया है और आज हम पढ़ने वाले हैं 25वीं क्लास। तो प्यारे साथी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज हम करने वाले हैं शब्द चिन्ह, और उसकी इसी शब्द चिन्ह को पढ़ने के बाद अभ्यास नंबर 16 की प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं आपको हमेशा एक बात बोल के चल रहा हूं प्यारे साथी, कि इससे बेहतर कहीं और नहीं। ये जो शॉर्ट हैंड में आपको पढ़ा रहा हूं, आप खोजिएगा प्यारे साथी, आपको नहीं मिलेंगे। फिर आप आएंगे यूपी क्लासेस प्रयागराज के इस ऑफिशियल चैनल पर, ठीक है? तो शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्त अपने उसी शानदार और होशोहवास के साथ, और आज करने वाले हैं शब्द चिन्ह और अभ्यास नंबर 16। थोड़ा सा आज क्लास को मैं फास्ट करूंगा, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं शब्द चिन्ह की। सबसे पहले आपकी हेडिंग होनी चाहिए शब्द चिन्ह। सबसे पहला हेडिंग आप बनाएंगे सभी प्यारे साथी शब्द चिन्ह की, और शब्द चिन्ह में ध्यान दीजिएगा, आज आपको कुछ नए नए शब्द देखने को मिलेंगे। शब्द चिन्ह में आपके 4 से 5 पॉइंट दिए गया है। कम और क्या, कम क्या, किया, किया हाँ, हुआ, हुई, होता या हुए, हुए या फिर होता, या प्यारे साथी आपका हो जाएगा हाँ होना। यहां से आप हाँ को अलग करेंगे, ठीक है? हाँ को आप यहां पे अलग करेंगे, और इन भाई साहब को थोड़ा सा हम इधर ले लेंगे यहां पर, यूं ऐसा। और हाँ यहाँ पे आप एक अलग से लिखेंगे यूं, इस प्रकार से हाँ। तो ये 4 शब्द चिन्ह आपको देखने को मिल रहे हैं। इन शब्द चिन्हों को कैसे बनाएंगे प्यारे साथी? आपने का व्यंजन पढ़ा हुआ है ना, का व्यंजन। यदि का व्यंजन को इस लाइन के ऊपर आप बना देते हैं तो ये शब्द चिन्ह हो जाएगा कम और क्या का। अब केवल और केवल का के व्यंजन को लाइन के ऊपर बनाने से शब्द चिन्ह प्रकट हो जा रहा है कम और क्या का। अगर इसी का व्यंजन को आप इस लाइन पर बना देंगे तो भी चेंज हो जाएगा भाई। लाइन के ऊपर आपने लिखा तो कम क्या पढ़ा गया, और यदि लाइन पर लिख दिया आपने तो किया पढ़ा गया। सेम उसी प्रकार से यदि हा व्यंजन को आप लाइन के ऊपर लिखते हैं तब ये हा पढ़ा जाएगा, और सेम इसी हा व्यंजन को आप लाइन से टच करते हुए लिखेंगे, अर्थात लाइन पर लिखेंगे, तो इससे इतने शब्द पढ़े जाएंगे, हुआ, हुई, हुए, होता, होना। वाक्य के अनुसार राम गया होता, राम गया होता, तभी भी आप यही बनाएंगे भाई। सीता गई होती, तभी भी आप इसी को बनाएंगे, यानी हुआ, हुए, हुई, होती, होता, होना, सब आप बनाएंगे हा के व्यंजन से। लेकिन हा के व्यंजन को जब आप लाइन पर लिखेंगे तब ये सारे शब्द चिन्ह करेगा। यदि हा व्यंजन को लाइन के ऊपर लिखते हैं तो केवल हा पढ़ा जाएगा, का व्यंजन को लाइन के ऊपर कम क्या, और लाइन पर आपने लिख दिया तो क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 2 की तरफ ध्यान देंगे। तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, तुमने, तुम्हें, तुम्हारा और तुमको। अब देखिए ये आप सबको नए नए शब्द चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, और देखिए भाई जैसे आप बनाते थे वा व्यंजन, सिंपल से आपको ऐसे बनाना है, ये एक बार में बनाना है, ना कि बार बार, है ना? जैसे मैं आपको ये आपका हो गया तुम। अब तुम से ही सारे शब्द आपके बन जाएंगे, चाहे आपका तुमने आए तो ऐसा टिक मारो, तुम्हें आए तो बिल्कुल सीधा। ये तो मैंने आपको झुकाव करके बना दिया, लेकिन ये बिल्कुल सीधा मैंने बनाया हुआ है। यानी
इस फिर से देखिएगा एक बार आप, तुमने पहले, मैंने पहले मैंने यहां पे तुम बनाया केवल, इसी में ने जोड़ दिया तिरछा, हे के लिए बिल्कुल प्यारे साथी बिल्कुल ऊपर, तुम्हें तुम्हारा तुम्हारा, और इसी में तुम और इसी में को जोड़ दो, ये हो गया आपको तुमको। चलिए अगले पॉइंट की ओर तरफ देखते हैं भाई, पॉइंट नंबर थ्री कह रहा है कि उन उनने उन्हें उन उनने उन्हें उनका उनको उनका और उनको। अब केवल यहां पे आप ध्यान केंद्रित करेंगे अपना उन शब्द पर, उन शब्द के लिए मैं आपको बता दे रहा हूं, ये उन हो गया ना, आप उसी प्रकार से सारे शब्द आप बना सकते हैं, जैसे उनने उनने बिल्कुल तिरछा, उन्हें यू बिल्कुल सीधा, उन्हें उनका यू, आपको कुछ थोड़ा सा इनका हल्का सा बनाना है, मतलब इसकी अपेक्षा देख रहे हैं, इसकी अपेक्षा थोड़ा सा डाउन, उनका फिर इसी में उन और ये को आपने जोड़ दिया उनको। ये रहा आज आपका शब्द चिन्ह, मैंने कहा ना थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा केवल आज के लिए, केवल आज के लिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने अभ्यास नंबर 16 की। अभ्यास संख्या 16 हम करेंगे प्यारे साथी, देखते हैं यहां पे दिया गया है पॉइंट नंबर 1, सारे पॉइंट को क्लियर करते हुए चलेंगे। माला हार टोना, माला हार टोना, उसके बाद भूल जाना खाना, इशारे हिंदी में शब्द दिए हैं, भूल जाना और खाना, कह रहा है इसे संकेत लिपि में आप अनुवाद करें, ठीक है। इतने आपके शब्द दिए गए हैं, तो पहले हम पहले शब्द को बनाते हैं, ये कैसे बनेंगे भाई। माला आ रहा है सिंपल मा व्यंजन को ला व्यंजन के साथ, मा में बड़ा आ की स्वर, ला में बड़ा आ की स्वर, उसी प्रकार से हार भी बनाए, हा व्यंजन इसी में राके व्यंजन, हा में बड़ा आ की स्वर, मोटा डैश पहले स्थान पर हार, टोना टा में ओ की स्वर, ना में बड़ा आ की स्वर, भूल भाके व्यंजन को बनाएंगे, बा को काटेंगे भा होगा, दो व्यंजनों के मध्य स्वर आ रही है तो अगले व्यंजन के तीसरे स्थान पर भूल, उसके बाद जाना जा में बड़ा आ की स्वर, ना में बड़ा आ की स्वर, खाना खाका व्यंजन, खा में बड़ा आ की स्वर, ना में बड़ा आ की स्वर, ये हो गया खाना। मैं आज के लिए प्यारे साथी थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं क्योंकि मुझे कहीं जाना है और इस कारण से मैं थोड़ी सी क्लासेस आपकी फास्ट कर रहा हूं केवल आज के लिए, ठीक है। चलिए आगे, पड़ोसी ताकत घोसला, पड़ोसी ताकत घोंसला काटने काटने। आइए प्यारे मित्र इसे हम चेक करते हैं एक बार बनेगा कैसे। पड़ोसी की बात हो रही है, पा व्यंजन को ला व्यंजन के साथ, इसी में साके व्यंजन, रा को काटेंगे भाई, रा को काटेंगे रा हो जाएगा, इसमें ओ की स्वर, सा में बड़ी ई की स्वर, पड़ोसी ताकत, ये ता में बड़ा आ की स्वर, का ता मिलकर ताकत, घोंसला घोंसला, गा को काटेंगे घा, उसमें ओ की स्वर, सा ला में पहले स्थान पर बड़ा आ की स्वर, काटने काटने, का में बड़ा आ की स्वर, टा मा को काटेंगे ना बनेगा, इसमें बड़ा इसमें एक ही स्वर लगाएंगे आप, ये हो जाएगा काटने। पॉइंट नंबर 3 की ओर चलते हैं, नजाकत, पॉइंट नंबर 3 मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, पॉइंट नंबर 3 आप बनावेंगे, ठीक है। कुछ काम अब मैं आपको लोगों को दिया करूंगा, तो पॉइंट नंबर सिंपल से हम 4 क्लियर करेंगे। यहां पर दिया है, क्या वह बाजार गया है, क्या वह, ये वाक्यांश आ रहे हैं अब आप, क्या वह बाजार गया है, हां वह गया है, इसी में शब्द चिन्ह आपके प्रयोग किए जाएंगे, हां वह गया है, ठीक है। आगे देखिएगा प्यारे मित्र, अभी तो उसे कुछ ही देर हुई है, अभी तो उसे कुछ ही देर हुई है,
कुछ ही देर हुई। पहले मैं आपको बता देता हूं इसमें शब्द चिन्ह कौन कौन से हैं, कहां कहां पे हैं। क्या भी शब्द चिन्ह, वह भी, गया भी, है भी, हां वह गया है। इसमें और कौन सा है भाई, उसे, कुछ, और यहां पे हुई है। ये इतने आपके शब्द चिन्ह इस वाक्यांश में इतने शब्द चिन्ह प्रयुक्त किए गए हैं। आइए बनाते हैं। पहले मैंने आज ही बताया था कम और क्या का शब्द चिन्ह, अगर का व्यंजन को आप लाइन पर लिख देंगे, ये हो गया क्या, वह, बाजार, बाजार, बा में बड़ा आ की स्वर, जा में बड़ा आ की स्वर, रा मिलकर बाजार। अगर कम क्या का व्यंजन को लाइन पर लिखेंगे तो कम क्या हो जाएगा, ठीक है। यहां पे गया का शब्द चिन्ह अभी नहीं मिला है तो आप प्रयुक्त ना करें, यहां पे लिखिएगा गया, फिर इसी में है, ये आपका है का शब्द चिन्ह हो गया, क्योंकि हा है और हो लाइन के ऊपर लिखा जाता है हूं आपके लाइन पर। हां वह बाजार गया है, हा के व्यंजन से शब्द चिन्ह प्रयुक्त कर देंगे, हां वह गया है का शब्द चिन्ह, अभी तो उसे कुछ ही देर हुई है, अभी तो उसे का शब्द चिन्ह भाई, उसे कुछ ही देर हुई है, ही देर, हुआ, हुए, हुई का शब्द चिन्ह हुई, इसी में आप ऐसे बना देंगे है। ये आपका वाक्यांश नंबर चार हो गया। वाक्यांश नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं, वाक्यांश फाइव, ठीक है। देखिए भाई, हिंदी, आप इस पुस्तिका को देखें, इस पुस्तिका में जो डाटा दिया गया है उस डाटा को हिंदी में आपके सामने आपके लिखा हुआ है, मैं आज के लिए केवल ट्रांसलेट प्रयुक्त कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए प्यारे मित्र, दिखा है हाँ उसने कौन काम किया जो सजा हुई, ध्यान देंगे सारे दोस्त, हाँ उसने, उसने का शब्द चिन्ह उसने, याद रखिएगा प्यारे साथी, हाँ उसने कह रहा है कि कौन काम किया, कौन का शब्द चिन्ह, ठीक है। और प्यारे साथी काम किया, काम किया का शब्द चिन्ह का व्यंजन को लाइन पर बनाएंगे, किया जो सजा हुई, जा में ओ की स्वर, सजा के लिए ये ऐसा, जा में बड़ा आ की स्वर, हुआ, हुए, हुई का शब्द चिन्ह, ये आपके सामने मैंने बना दिया, ये वाला। अगला देखते हैं पॉइंट नंबर छह, पॉइंट नंबर छह क्या कह रहा है, ध्यान देंगे भाई सारे दोस्त। चलिए कह रहा है कि तुम कौन हो, तुम का शब्द चिन्ह, ये कौन का शब्द चिन्ह है, हो का शब्द चिन्ह आपको पता है कि आप लाइन पर बनाते हैं, ठीक है। तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, याद रखिएगा सारे दोस्त। तो तुम्हारा का शब्द चिन्ह आज ही मैंने बताया, क्या नाम है, कम और क्या का शब्द चिन्ह का व्यंजन को लाइन के ऊपर बनाने से, तुम्हारा क्या नाम है, ना नामे बड़ा आ की स्वर, मां मिलकर नाम, उसके बाद ये आपका है हो गया। आगे दिया गया है भाई कि तुमने यह कोट कब पाया, तुमने यह कोट कब पाया, ध्यान देना भाई, तुमने का शब्द चिन्ह, तुमने यह कोट कब पाया, का और बा मिलकर कब, पा और या, पा में बड़ा आ की स्वर, या में बड़ा आ की स्वर, पाया, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर सात, पॉइंट नंबर सात, ठीक है प्यारे साथी, ध्यान देंगे एक बार। चलिए पॉइंट नंबर सात को मैं पीले से कर दे रहा हूं, वे कमजोर थे, वे का शब्द चिन्ह, कमजोर, जामे ओ की स्वर, रा मिलकर कमजोर थे, ये देखिए ये थे को मैंने बना दिया, उसके बाद वाक्यांश समाप्त हुआ है। कह रहा है कि वे कमजोर थे, सॉरी यहां पे है हार गए, हार ये गए, यहां पे आपका वाक्यांश समाप्त होता है। कह रहा है तुमने, तुमको उनकी मदद करनी थी, तुमको उनकी, ये उनकी, तुमको का शब्द चिन्ह, उनकी का शब्द चिन्ह, तो उनका, उनके, उनकी कोई भी चीज आप पढ़ेंगे, तुमको उनकी मदद, मदद ना को काटेंगे, मदद म हो जाएगा, मदद करनी थी, कर ना में बड़ी ई की मात्रा, और थी के लिए था का व्यंजन, उसमें बड़ी ई की स्वर लगा देंगे, करनी थी। अगला देखते हैं प्यारे मित्र, पॉइंट नंबर आठ, पॉइंट नंबर आठ कह रहा है यहां पे कि उन लोगों से कुछ ना होगा, उन
लोगों से का शब्द चिन्ह ये हो गया से, कुछ कुछ का शब्द चिन्ह ना, ना में बड़ा आ की स्वर ना होगा। यह देखिए तुम लोगों से कुछ ना होगा, आगे दिया है उनको जाने दो, उनको का शब्द चिन्ह जा में बड़ा आ की स्वर इस ना में एक ही स्वर जाने। उसके बाद है भाई दो का, मैंने आपको शब्द चिन्ह बताया था कि आप मोटा बिंदु लाइन पर बना देंगे तो ये दो का शब्द चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अगले पॉइंट और आज का अंतिम पॉइंट, आज माफी चाहूंगा प्यारे साथी कि आज थोड़ी सी मैंने आपको क्लास जल्दी ली है, उसके पीछे मैंने आपको कारण बताया है। ठीक है, नौवा, अगर कुछ हुआ होता तो, अगर अगर कुछ का शब्द चिन्ह हुआ का शब्द चिन्ह, ठीक है, हुआ हुई हुई होता, हुआ होता तो, फिर से आप बनाएंगे अगर कुछ हुआ होता तो, उसके बाद है उनने जरूर कहा होता, उनने, उनने का शब्द चिन्ह मैंने आपको बताया था क्या, बिल्कुल बताया सर आपने, उनने, उसके बाद जरूर कहा होता, जरूर कहा होता, कहा हुआ हुई हुई होते होता का शब्द चिन्ह, ये इतना आपका बन गया पॉइंट नंबर। अगर कोई डाउट आएगा प्यारे साथी तो अगले क्लास में मैं ले लूंगा, लेकिन आज के लिए फिलहाल के लिए मैं यही तक सेशन को रखूंगा। मिलेंगे हम आपसे आगामी सेगमेंट में, तब तक आप सभी प्यारे साथी अपना ख्याल रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, निरंतर प्रयास करते रहें, सफलता एक दिन जरूर कदम चूमेगी। अगर हम सफलता के लिए तड़प रहे हैं तो सफलता प्राप्त करने के लिए दिन प्रतिदिन हमें तड़पना होगा, आज तभी कल हमें सफलता प्राप्त होगी। यदि हम आज सोच रहे हैं कि आज भाई मौज मस्ती की जिंदगी को गुजारें, तो कल फिर आपका जब बुढ़ापा होगा ना, फिर जिंदगी मौज मस्ती की नहीं होगी, जिंदगी एक किल्लत बन जाएगी भाई। ठीक है, तो चलिए आज तक सही तक, मिलते हैं हम आपसे पुनः आगामी सेगमेंट, तब तक की जय हिंद जय भारत।